सो हेलो स्टूडेंट्स, समस्त को स्वागत करुच्ची आपंक प्रिय यूट्यूब चैनल सीके एकेडमी की। तो आपण मैंने देखुंट प्रारंभ 2.5 जो थी प्रतिदिन सका एवं सन्धार क्लास कराकि संपूर्ण फ्री रे। तेणु क्लास करने आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, भिडियो लाइक करूँ, आपण मानसाथी मान सहित यह सेयार कर दिंतु, जहाद्वारा से प्रोग्राम लाभ उठे पारे। तेणु आज भिडे आम देखा इनविटेशन टू इंग्लिश वन सेकेंड इयर फर्स्ट चैप्टर जहाँकि रही माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। तेनाली चैप्टर माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज चैप्टर यूनिट वन एंड टू मुझे अलरेडी पढ़े सारी। जो मैंने देखिना आम चैनल को जाकि यूनिट वन एंड टू देखने जहाद्वारा तुम मानक बुझा सहज हे। तेनाली आम यूनिट थ्री देखा। तो यूनिट थ्री को जीवा पूर्व मुझे तुम मानक रिकल कर देवाक चाहिए लास्ट यूनिट आम कौन पढ़ी थे जहाद्वारा बुझाक तुमको सहज हे। तेणु आज डेरी नक चलो क्लास आरंभ करवा। तेणु यूनिट टू रे आम देखी जे जड़े आंग्री आथलेट जी कि जो रागी खेले सब बड़े कौन ना भूल कर बसे जहाँकि आम जेसेओंस क्षेत्र में देखी जेसेओंस टे क्रोधर शिकार होते जहाद्वारा से मध्य सफर करते भोगी जो क्वालिफाई करा तीन टा चांस दि जाता से दुई गोटी चान्स विफल होते लास्ट गोटे चान्स लुजलंग एस लक्ष्य करुले सी किपर सा आम पढ़ी सारे जे लुजलंग गोटे आडभइस देते जे कौन से आडभइस जे जो टेक बोर्ड रहा जहाँ को आम जम्प करे जोठू जोठी जो आथलेट जम्प करे तेणु से टेक बोर्ड पछरे टिके पछरे गोटे फुट पछ को कौन करना गोटे लाइन टाणी गोटे गार टाणी एवं से गार को टच करी एम करी फोकस करी से जम्प कले आम सफल हाँ। तेनाली गोटे आडभइस देते किए लुजलंग क्या ना जेसेओंस को जेसेओंस कथा मानी थे टेक बोर्ड पछर गोटे गार टाणी एम कर फोकस कर सब जम्प करते थर्ड राउंड लास्ट राउंड से क्वालिफाई करते आते देखी लुजलंग आ जेसेओंस के भितर गोटे भल बंधुता स्थापन हो सारी। जदिओ लुजलंग थी जो जर्मान बॉय गोरा संप्रदायर व्यक्ति जेसेओंस थी जो निग्रो ब्लैक मैन जड़े कला संप्रदायर व्यक्ति तथापि दुईं मध्य गोटे भल बंधुता स्थापन हो पारी लुजलंग करते थर्ड राउंड रे बाय क्वालिफाई करने ये आम देखी यूनिट टू रे। तेणु आज यूनिट थ्री देखा प्रथम वार्म अप लक्ष्य करदे। तो तेणु टू वार्म अप कौन दे देख जो कह डू यू बिलीव इन द आडेज ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन ड्यूट। ये वार्ड लिखाई आडेज आडेज मैंने आम कहीपर रूढ़ी बा लोकवाणी लोकउक्ति जहाँ तुम्हें कहींपर जमी आम साहित्य पढ़ी धीर पा पथर काटे अति लेंबू चिपुड़े पिता जमीता सब पढ़ी साहित्य तेनालीरू ये आडेज कह लोकउक्ति कहु कौन ना ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड जे जड़े दरकारी समय बंधु बा विपदर बंधु हूँ प्रकृत बंधु जे दरकारी समय बंधु सी हूँ प्रकृत बंधु। यही उक्ति तुम्हें विश्वास कर कि रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड नोट हाउ ओन्स एंड लॉन्ग बिकेम गुड फ्रेंड्स। तो यही यूनिट तुम्हारे पढ़ो तुम्हें जापर जे लुजलंग आ जेसेओंस के भितर जो बंधुता था किपर गोटे गुड फ्रेंड्स से परिणत होती भितर थिला बंधुता किपर गोटे आहरी घनिष्ठ रु घनिष्ठ हो बंधुता ये यूनिट आम पढ़ले जापर। तो तेणु आउ डेरी नक चल द टेक्स्ट देखा दि टेक्स्ट ये कहला कौन देख दैट नाइट आई वर्कड ओवर टू लुजलंग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम दैट नाइट। दैट नाइट अर्थ टी कौन ना जो दिन लुजलंग जेसेओंस को आडभइस देते गोटे टेक बोर्ड पछर गार टाणी से एम कर जम्प कर तेणु से दिन जो जेसेओंस सफल होते क्वालिफाई करते से दिन रात कथा कह दिन रात कह देख आई वर्कड ओवर टू लुजलंग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज आई ये क्या कहु ना जेसेओंस को कहु आई जेसेओंस जेसेओंस कौन करते चली चलिक जाते कौटिना लुजलंग्स रूम लुजलंग रूम को जेसेओंस चल चल जाइए आ रूमटा कौट थी ना इन द ओलंपिक विलेज इन द ओलंपिक विलेज ओलंपिक विलेज कौन ना तुम जानते ओलंपिक गेम आम अर्गानाइज होता अनुषित होता कौटिना जर्मान बर्लिन सहर तेणु बहुत देशर खेला मैंने से आसते तेणु से रहा गोटे
बंदोबस्त मत करा से कौटी रही है तेना से खेला मैंने जो अंचल रुहत से कह जाए कौन ओलंपिक विलेज तेना से ओलंपिक विलेज जो लुजुलंग रोते रूम को जेसेओंस कौन करना चली चलिक जाते कौन पाई ना टू थैंक हिम धन्यवाद जनवाई जेहेतु से आडभाइस देते जहाद्वारा जेसेओंस सफल होते तेणु से धन्यवाद जनवाई जेसेओंस चली चलिक लुजुलंग रूम को जाते जो लुजुलंग रूम कौटी थी ना ओलंपिक विलेज बुझिपाल तापर कह आई न्यू दैट इफ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे आई न्यू दैट आई न्यू टी क्या कह जेसेओंस कहते मुझे जानी इफ इट हैड बीन फॉर हिम इट हैड नॉट बीन फॉर हिम जे कहते मुझे जानी जदि लुजुलंग आज से न था कौटी से जो खेल पाखे जो जेसेओंस जब कर तेणु से लुजुलंग आज उपस्थित न था सहित न था तेल कौन था ना आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे ताले जेसेओंस केबे भी क्वालिफाई कर पार न था आउ संभवतः से केबे भी फाइनल जंप्रे जंप कर पारि न था जदि लुजुलंग से स्थान न था लुजुलंग ही जेसेओंस थर्ड राउंड क्वालिफाई कले आउ फाइनल जंप्रे पार्टिसिपेट कर सुजोग पाइले जदि लुजुलंग न था तो जेसेओंस के से जगह पहुँची पारि न था यही कथ जेसेओंस निजे निजे कहते कौन मुझे भलसे जाणी बुझिपाल तापर कौन कह सैट इन हिज क्वार्टर्स एंड टॉक्ड फॉर टू आवर्स उट ये क्या कह जेसेओंस आउ लुजुलंग दीज कौन कहना देखिले लुजुलंग चल चल गले जेसेओंस रूम को सरी जेसेओंस चल चल गले लुजुलंग रूम को तेणु से दीज कौन सांग बसिले कौटी क्वार्टर क्वार्टर मैंने रूम बसिले एंड टॉक्ड फॉर टू आवर्स पखापाखि दि घंटा धरी से कहला परस्पर गपसप हेले कथबार्ता हेले किए किए जेसेओंस आउ लुजुलंग कौ विषय सब कथा एट कह देख अबाउट ट्रैक एंड फील्ड आवर सेल्फ एंड द वर्ल्ड सिचुएशन एंड ए डजन अदर थिंग्स से दि घंटा धरी कथ कौ विषय ना ट्रैक एंड फील्ड पड़िया रही कौन खेल पड़िया जो रही से विषय में कथा बेला ट्रैक फिल्ड आम जानते जो दौड़ा हुए रनिंग हुए जंपिंग हुए लंग जंप हुए सब जो स्थान रहे से स्थान कथ गपिले आउ कौन ना आवर सेल्फ से विषय निज घर पर सब विषय कथ एंड द वर्ल्ड सिचुएशन मानते बर्तमान पृथ्वी विश्व में कौन सब घटना घटू कौन अवस्था अच्छी सब एंड ए डजन अदर थिंग्स आउरी गुडाए कथा से परस्पर कहले ना कथा दीर्घ दि घंटा धरी ये तुम क्वेश्चन आसव क्वेश्चन मत अच्छे से मैंने परस्पर जिते बसिले कथा कौ कौ विषय सब कथ होते मन रख ट्रैक एंड फील्ड देमसेल्वस द वर्ल्ड सिचुएसन एंड ए डजन अदर थिंग्स यही सब विषय से मैंने कथ तेना फास्ट पारा बुझिपाल जेसेओंस कौन कर लुजुलंग रूम को चल चल जाते जोटा कि ओलंपिक विलेज कौन पाई ना धन्यवाद जनवाई आउ जेसेओंस कहते मुझे भलसे जाणी जदि लुजुलंग आज से स्थान न था तेल के मुझ फाइनाल जंप्रे खेल सुजोग पाई न था आउ से दीज क्वार्टर बसिक लुजुलंग क्वार्टर बसिक दि घंटा धरी कथे ट्रैक फिल्ड विषय में देमसेल से विषय में वर्ल्ड सिचुएसन एंड डजर अदर थिंग्स यही सब से परस्पर कथबार्ता करते सेकेंड पारा कौन कहला देख व्हेन आई फाइनाली गॉट अप टू लीव जेतेबले कथबार्ता से सरला जेसेओंस बाहर कौन गॉट अप टू लीव गॉट अप टू लीव मैंने कौन तुम जान बाहर से रूम छाड़ बाहर घर को फेर बाहर से कौन है ना वी बोथ न्यू दैट ए रियल फ्रेंडशिप हाज बीन फॉर्मड तेणु से दुहे से उभय जा सारे भितर गोटे प्रकृत बंधुता बा रियल फ्रेंडशिप कौन होना हाज बीन फॉर्मड भितर गोटे प्रकृत बंधुता तैयारी हो सारी गठित हो सारी जितेबले से माने परस्पर गपिले दीर्घ दि घंटा धरी तापर जितेबले जेसेओंस बाहर घर को फेरवाई रूम को फेरवाई सेतेबले से दुहे अनुभव कले भितर गोटे प्रकृत बंधुता कौन होना स्थापना हो सारी देख लूज आउड गो आउट टू द फिल्ड द नेक्स्ट डे ट्राइंग टू बीट मी इफ यू कोर तापर जेसेओंस कहते लुजुलंग लुजुलंग कौन करेंगे ना नेक्स्ट डे रे पड़िया को जी खेल पड़िया जो ओलंपिक गेम खेल से जी एंड ट्राइंग टू बीट मी एवं से चेष्टा करेंगे जेसेओंस को हरवाई जेसेओंस को से हरवाई चेष्टा करेंगे इफ यू कोर जदि से चाहती से करें इफ यू कोर से चेष्टा करना जेसेओंस को हरवाई बट
I knew that he wanted me to do my best. किंतु जेसीसन कहुचन एटी बट किंतु मु जानिछि जे से निश्चित रूपे चाहन्ति बा से चाहन्ति के लुजलों खांजि जे मी टू डू माय बेस्ट किपरी जेसीओन्स तांकर बेस्ट दियंतु पूरा बहुत भल खेल सेटा चाहन्ति के लुजलों ए कथा जेसीओन्स जानिथिले जे कहुचन्ति लुजलों पडिया को जेबे से मते हरिया पय चेष्टा करिवे किंतु से मध्य चाहन्ति जे मु किपरी मो खेलर बेस्ट दे एटा भी से चाहन्ति इवन इफ दैट मीन्ट माई विनिंग एपरी मध्य जदियो सेटा मोर जितिबा भी हो एटा भी चाहती किए लुजलंग जे मु मोर खेलर बेस्ट किपर दिए आपरिक मोर जितिबा ही पारे एटा चाहती किए लुजलंग चाहती जदियो लुजलंग जेसियंस कर प्रतिद्वंदी थिले तथापि से चाहूतिले से किपर बेस्ट दियंतु एपरी से मध्य जितिबे बोली एटा मध्य चाहूतिले किए लुजलंग अर्थात तांको मनरे टिके भी क्रोध किंबा प्रतिद्वंदिता मनोभाव नथिला बुझिपारे समस्ते तापर कौन कहला देख आज इट टर्नड आउट लुज ब्रोक हिज ओन पास्ट रेकर्ड आज इट टर्नड आउट तापर जितने से खेल समय आसला जितने जम्प समय आसला रियल गेम समय आसला से कौन कह देख लुज ब्रोक हिज ओन पास्ट रेकर्ड लुज लंग तांकर जो पास्ट रेकर्ड थिला बा ट्रायल राउंड से जितिक जम्प करथिले से पास्ट रेकर्ड से ब्रोक करथिले भांगी देथिले आहुरी अधिक जम्प करथिले बुझिपाल तापर कौन कह इन डूइंग सो हि पुस्ड मी ऑन टू ए पीक परफॉर्मेंस तेणु एपरी जम्प करी जो पास्ट रेकर्ड था ब्रोक करी एसबू करवा द्वारा कौन होता जेसी उन्स लाभ कौन ये कौन देख एसबू करवा द्वारा कौन होता ना हि पुस्ड मी ऑन टू ए पीक परफॉर्मेंस हि पुस्ड मी ये क्या कह लुजलंग पुस्ड टू मी जेसी उन्स लुजलंग जेसियन को पुश करते ठेली देते अर्थात मोटिवेट करते ऑन टू ए पीक परफॉर्मेंस माने लुजलंग कौन करते पूर्व खेलटा आहरी अधिक भल खेली पास्ट रेकर्ड भांगे तो यहाँ जेसियन्स गोटे मोटेसन होता है प्रेरणा होता सी आहरी अधिक भल कर कौन करेंगे चेस्टा करेंगे तेनालीटा पुश करते पीक परफॉर्मेंस पीक मानने बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस देवाई यहाँ जेसियन्स को पुश कर मैंने पचरू ठेली सदृश कार्य करता कौटा जेसियन्स जो रेकर्डा ब्रोक कले बुझिपाल देख जेसियंस कहते आई रिमेम्बर दैट आट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माय फाइनल जंप तापर जेसियंस कहते मोर मन अच्छे जितेबले से जंप करार समय आसला आई लैंडेड फ्रॉम माय फाइनल जंप जो मोर फाइनल जंप समय आसला मुझे जंप कली द वन व्हिच सेट द ओलंपिक रेकर्ड ऑफ 26 फिट 5¼ inches जितेबले से फाइनल गेम आसला फाइनल जंप आसला जेसियंस कहते मोर मन अच्छे से कौन करी ना गोटे ओलंपिक रेकर्ड से सेट करते आम आगर पढ़ीचे से गोटे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भाव आगे रेकर्ड सेट करते 26 feet 8¼ inches यहाँ गोटे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भाव वन इयर पूर्व से गोटे रेकर्ड सेट करते सहित जितने ओलंपिक गेम आसला से ओलंपिक गेम से गोटे रेकर्ड सेट करते कौन ना से 26 feet 5¼ inches एति से जम्प करते गोटे ओलंपिक रेकर्ड सेट करते किए जेसियंस अर्थात आम यू जाना पाइल जेसियंस कौन कर लुजलंग ठार अधिक जम्प करते जेहेतु से रेकर्ड सृष्टि कर देख हि वाज आट माइ साइड कंग्राचुलेटिंग मी डिस्पाइट द फैक्ट हिटलर ग्लैड आट अस् द स्टैंड नॉट ए 100 yards अवे तब ये कह देख हि वाज आट माई साइड टे अर्थात ये लुजलंग कह लुजलंग जेसियंस साइड में थे आसत कौन करते ना कंग्राचुलेटिंग मी लुजलंग जेसियंस को कंग्राचुलेटिंग कंग्राचुलेसन जनावते अभिनंदन जनाऊ स्वागत जनाऊ जेहेतु सी कौन करते ना गेम विन करते डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर ग्लैड आट अस् फ्रम द स्टैंड नॉट ए 100 yards अवे डिस्पाइट मान हूँ सत्वे जेपरी एक घटना थी से सत्वे लुजलंग एपरी कम करते से घटनाटा कौन ना जे हिटलर ग्लैड आट अस् ग्लैड मान हूँ मैंने गोटे रागिक चाहिए क्रोधर चाहिए हिटलर कौन करते जेहेतु लुजलंग हारे तेणु हिटलर या पूरा रागिक चाहते क्या लुजलंग तेणु ये सबू घटना सत्वे लुजलंग कौन करते जेसियंस कंग्राचुलेसन जनाइले
ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ହିଟଲର ରାଗରେ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କ୍ରୋଧର ପୁରା କ୍ରୋଧରେ ରାଗି ପୁରା ଅନଉଥିଲେ। ଆଉ ହିଟଲର ବେଶୀ ଦୂରରେ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ମାତ୍ର 100 yards ଆଉ 100 yards ଆଉ ବା ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ଥିଲେ କିଏ ହିଟଲର। ତଥାପି ଲୁଜଲଙ୍କର କୌଣସି ଖାତିରି ପଡ଼ିନଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ, ଲୁଜ ସୁକ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାର୍ଡ। ଆଉ ସେ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଯେସନ୍ଙ୍କ ହାତକୁ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଜୋରରେ କରିଥିଲେ, ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରି ପୁରା ହଲେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫେକ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ୱିଥ୍ ଏ ବ୍ରୋକନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରିପ୍ ଆଇଦର। ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଥିଲା, କାହା ମୁହଁରେ, ଲୁଜଲଙ୍ଗଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଥିଲା। ସ୍ମାଇଲ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫେକ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ୱିଥ୍ ବ୍ରୋକନ୍ ହାର୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଛି ମିଛିକା ହସ ନଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରୋକନ୍ ହାର୍ଟରେ ହସାଯାଏ। ବଟ୍ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରିପ୍ ଆଇଦର, ମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ହସରେ ଦୃଢ଼ତା ଥିଲା, ଗ୍ରିପ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତା ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗନେସ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ହସ ଥିଲା ଲୁଜଲଙ୍କ ମନରେ। ଆଉ ସିଏ ଜେସନ୍ଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇଥିଲେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ହିଟଲର ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଦୂର ନଥିଲେ, 100 yards ଆଉରେ ଥିଲେ, ତଥାପି ଲୁଜଲଙ୍କୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଲୁଜଲଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଜେସିଓନ୍ସକୁ ପୁଷ୍ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜେସିଓନ୍ସଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା, ଫାଇନାଲ୍ ଗେମ୍ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜମ୍ପ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଥିଲା 26 feet 5 quarter inches। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅଧିକ ଜମ୍ପ କରିଥିଲେ କାହାଠୁ, ଲୁଜଲଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ଅଲମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ ସେଟ୍ କରିବା ସହିତ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ୱିନ୍ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠି, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପରେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଲୁଜଲଙ୍ଗ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଜେସିଓନ୍ସଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଥିଲେ, ଏବଂ ହିଟଲର ଏସବୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଗି କନଉଥିଲେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ତାଙ୍କ କାମ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଥିଲେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ହସଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଫେକ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ନଥିଲା, ବ୍ରୋକନ୍ ହାର୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ହସାଯାଏ, ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟରେ ହସାଯାଏ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ନଥିଲା, ସେମିତିକା ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହସରେ ଦୃଢ଼ତା ଥିଲା, ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ହସୁଥିଲେ କିଏ, ଲୁଜଲଙ୍ଗ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ୟୁ କୁଡ୍ ମେଲ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଅଲ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ସ। ଯେଠି ଲୁଜଲଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେତେ ସବୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେସବୁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା, ମେଲ୍ଟ କରିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ରେକର୍ଡ ସବୁ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ମେଲ୍ଟ କରିଦେଇପାର। ଲୁଜଲଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ସରି, ଜେସିଓନ୍ସ ଯେତେ ସବୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କପ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେ ସବୁକୁ ମେଲ୍ଟ ଡାଉନ୍ କରିପାର, ମିଳେଇ ଦେଇପାର। ସୁନାକୁ ଅଧିକ ଗରମ କଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ତରଳି ଯେଉଁ ମିଳିଯିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍କୁ କପ୍କୁ ମିଳେଇ ଦେଇପାର। ଆଣ୍ଡ ଦେ ଉଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏ ପ୍ଲେଟିଂ ଅନ୍ ଦ 24 carat ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆଇ ଫେଲ୍ଡ ଫର୍ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ଏଠି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଜେସିଓନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କପ୍ ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସେ ସବୁକୁ ମିଳେଇ ଦେଇପାର, ତରଳି ଦେଇପାର। ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 24 carat ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍କୁ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି 24 carat ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ପୁରା ହଲମାର୍କ ସୁନା ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା, ସେଇଟା 24 carat ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ସୁନାକୁ ତୁମେ ଯେତେ ତରଳେଇଲେ ବି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍କୁ ତୁମେ ଯେତେ ତରଳେଇଲେ ବି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଉପରେ ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଲେପ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ଟା ଏତେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା, 24 carat ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା, ତୁମେ ଯେତେ ସୁନାକୁ ତରଳେଇଲେ ବି ତା'ପରେ ସେଟା ପ୍ଲେଟିଂ କରିହେବ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ପ୍ରଲେପନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସବୁଠୁ ନିଆରା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ନା, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗେମ୍ରେ ୱିନ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍କୁ, ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଉପରେ ତୁମେ ଯେତେ ସୁନା ତରଳେଇଲେ ବି ତା'ପରେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିପାରୁ ନାହିଁ ବା ପ୍ରଲେପନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ରିଅଲାଇଜ୍ ଦେନ୍ ଠୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୁଜ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଏପିଟମ୍ ଅଫ୍। ତା'ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଜେସନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ରିଅଲାଇଜ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଲୁଜଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଲୁଜଲଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏପିଟମ୍, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଏପିଟମ୍। ଦେଖ ଏପିଟମ୍ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। କାହାର ନା, ହ୍ୱାଟ୍ ପ୍ୟାରିଡ଼ି କୁବର୍ଟିନ୍, ଯେ ପ୍ୟାରିଡ଼ି କୁବର୍ଟିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ଲୁଜଲଙ୍ଗ। ସେଇ ପ୍ୟାରିଡ଼ି କୁବର୍ଟିନ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମେ ଆଇଡଲ୍ କହିପାରିବା କିଏ, ଲୁଜଲଙ୍ଗ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏକଥା ଜେସିଓନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଯେ ସେ ପ୍ୟାରିଡ଼ି କୁବର୍ଟିନ୍ କିଏ ନା, ହି ୱାଜ୍ ଦ
फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो मॉडर्न ओलंपिक गेम अच्छी तार फाउंडर होचन से पैरिडी कुबर्टिन आउ लुजलंग होचन से पैरिडी कुबर्टिन कर जन एपिटम बाटे प्रकोष्ठ उदाहरण एवं से कहते कौन ना मस्ट हाव हार्ड इन माइंड व्हेन ही सेड एवं से जो गोटे कथा कही कि पैरिडी कुबर्टिन से कथा को प्रत्येक खेलाड़ी ता माइंड रखा उचित प्रत्येक ओलंपिक खेलाड़ी जे कि ओलंपिक गेम रे पार्टिसिपेट कर खेलाड़ी से पैरिडी कुबर्टिन कर ये कथाटी को माइंड रखा उचित कौन से कथा ना द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट जे गोटे ओलंपिक गेम हो बा जे कौन से खेल हो ओलंपिक गेम रे सबुठ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग हूँ कौन ना खेल रे अंशग्रहण करिया जेटा कहि टेकिंग पार्ट बट नॉट विनिंग जे आम जितबा सेटा बड़ कथा नुहे बर खेल अंशग्रहण करिया सेटा हूँ बड़ कथा ए कथा किए कहते प्यारिडी कुबर्टिन तुमने देखि थ आम एग्जांपल ना रियल लाइफ रे स्कूल कॉलेज बहुत फंक्शन हो दौड़ा लॉन्ग जंप किंबा कल्चरल प्रोग्राम हो एसे डिबेट एसबू कंपिटिशन हो बहुत पिला देखिथे सी कौन करेंगे ना पार्टिसिपेट कर भय करेंगे अरे मुझे तो किसी हेबी ना मुझे कहीं गेम पार्टिसिपेट करी कि एसे पार्टिसिपेट करी मुझे तो प्राइज पाइबी ना कहीं सुनटार झड़े हेबी तेनाली पिला मैंने कहुन सब कितु यहाँ भूल धारणा जो मैंने शिक्षित व्यक्ति बामें कहींपर ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ବ୍ରଡ଼ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ନା ତୁମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ହିଁ ତୁମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜିତିବ ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ୟାରିଡି କୁବର୍ଟିନ୍ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଧାଡ଼ିଟା ମନେ ରଖିବ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ପ୍ୟାରିଡି କୁବର୍ଟିନ୍ଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ କ'ଣ ଥିଲା ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ରେ କ'ଣ ନା ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱିନିଂ ଯେ ଜିତିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ବଟ୍ ଟେକିଂ ପାର୍ଟ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଟେକିଂ ପାର୍ଟ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କନ୍କ୍ୟୁରିଂ ବଟ୍ ଫାଇଟିଂ ବୋଲି ଆଉ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଫାଇଟିଂ ବୋଲି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ନଟ୍ କନ୍କ୍ୟୁରିଂ କନ୍କ୍ୟୁରିଂ ଆମେ କହିପାରିବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବା ଯେ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବା ନା ବରଂ ଫାଇଟିଂ କରିବା ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଲଢ଼େଇ କରିବା ଏବଂ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବା ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ କିଏ ନା ଫ୍ୟାରିଡି କୁବର୍ଟିନ୍ ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟଲି ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହି ରଖୁଛି ଏଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେ ଜଣେ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ବା ଦରକାରୀ ସମୟର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଜେସିଓନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେଇଭଳି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜେସିଓନ୍ସ କ'ଣ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରାକ୍ ଫିଲ୍ଡ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ୱାର୍ଲଡ ସିଚୁଏସନ୍ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଡଜନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜେସିଓନ୍ସ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସ୍ଥାପନା ହୋଇସାରିଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଲୁଜଲଙ୍ଗ ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜେସିଓନ୍ସ କେବେ ବି ସେ ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ବା ଫାଇନାଲ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିନଥାନ୍ତେ ଲୁଜଲଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆଉ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଜେସିଓନ୍ସକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସେ ପାରିବେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜେସିଓନ୍ସ ତାଙ୍କ ଖେଳର ବେଷ୍ଟ କିପରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଏପରିକି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଜିତିବା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ହେଇପାରେ ଏଇଟା ବି ଚାହୁଁଥିଲେ କିଏ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଆଉ ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ସମୟ ଆସିଛି ଲୁଜଲଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଜେସିଓନ୍ସଙ୍କ ସମୟ ଅଛି ଜେସିଓନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ସେ ଜମ୍ପ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଥିଲା 26 ଫିଟ୍ 5 ¼ ଇଞ୍ଚେସ୍ ଜମ୍ପ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପରେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ୱିନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲେ କିଏ ନା ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇଥିଲେ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏସବୁକୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଏ ନା ଆଡଲଫ୍ ହିଟଲର ଆଉ ସେ ବେଶୀ ଦୂର ନଥିଲେ ମାତ୍ର 100 ୟାର୍ଡ଼ସ୍ ଦୂରରେ ଥିଲେ
एसबु फरक पड़ नाला क्या लुजलंग को लुजलंग बंधु सहित कथाई कंग्राचुलेसन जनते हैंडसेक करते आपर आम देखते जे जेसियन कौन जे सी पाई सब कप गोल्ड मेडल को तुम्हें मेल्ट कर दे पार मिले पार किंतु से सबूर से चबीस खेल फ्रेंडसीप के प्रलोभन दे हम ना के आम से चबीस क्यारेट फ्रेंडसीप आम प्रलोभन दे पार ना मानते फ्रेंडसीपटा थी गुरुत्वपूर्ण बात महंगा तापर आम के गोल्ड मेडल कप को तरल आई प्लेटिंग दे पार ना आ बंधु द्वारा सी लुजलों सहित अनुभव करते खेल शेष पर्यायर तापर जेसियंस कौन मन पड़ू लुजलंग होने फेमस पर्सन जहाँ ना हूँ प्यारिडी कुबर्टिन से जन एपिटम परफेक्ट एग्जांपल प्यारिडी कुबर्टिन गोटे बेस्ट आइडिया देते कना गोटे गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कही कना जे द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल से कही सब गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ ओलंपिक गेम अंशग्रहण करवा जितना नुह आउ जीवन में सब गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ आम सब संघर्ष करवा जेको परिस्थिति आसू के छाड़ पलवा ना तेनाली तुम यूनिट थ्री तेनाली जान लें जेसियन साहू लुजलंग फ्रेंडसीप हूँ चौबीस क्यारेट फ्रेंडसीप आउ जेसियन ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज था यही बंधुता जहाँकि लुजलंग सहित स्थापित हो तेणु ये थिला तुम यूनिट थ्री ये तुम ग्लोसरी सब देखते पार पिक परफॉर्मेंस पिक परफॉर्मेंस जोटा तुम बेस्ट एवर परफॉर्मेंस सब बेस्ट खेल आउ 26 फीट 5 क्वार्टर इंचेस अच्छी आम मीटर जो प्रकाश करवा 8.06 मीटर आ 24 क्यारेट फ्रेंडसीप हूँ जेन्युइन फ्रेंडसीप तुम जान आ प्लेटिंग हूँ थीन कोटिंग गोटे क्या प्रलोभन देवा एपिटम हूँ परफेक्ट एग्जांपल ये तुम यूनिट थ्री आशा करते समस्त बुझी पार्थिव जहाँ भी किसी डाउट रही हो जदि कौ वार्ड को नहीं तुम कमेंट सेक्शन में पचारि पार पुणि थे कही रखुची आमर प्रतिदिन क्लास हो सका सन्धार प्रारंभ 2.5 तेना क्लास करने चैनल को सब्सक्राइब करूँ भिडियो लाइक करूँ आ बहुत मात्रा सांग सहित सेयार करूँ जहाद्वारा तुम मैंने लाभवान होगा सहित आम मान मोटेसन मिले आम आहरी अधिक भिड करेणु भिडटू को आरंभ शेष पर्यंत देखिथिबारु समस्त बहुत बहुत धन्यवाद आउ जा बाकी रहीगला मु फोनि नेक्स्ट क्लास रे पढ़ेबी क्वेश्चन आंसर मु कहिछि ए विषयटा सरीगला परे लास्ट को मु गोटे वीडियो रे समुदाय क्वेश्चन आंसर छाड़ी देबी तो माने नोट डाउन करिनबो तेनु समस्त को धन्यवाद जय जगन्नाथ।